Hello everyone, happy Guru Nanak Jayanti to all. Today we are going to learn about progressive addition lenses. In this PPT, this PPT only will have three parts. First part will be updated today only, but the second and third part will be on the other day because this is quite long and we need to understand it partly. So that's why today we will understand about only and only what are progressive addition lenses. Then we will understand that what are its the zones and all, and what are the disadvantages and advantages, and last is dispensing criteria. So these things will be understood to you by understanding that what is progressive addition lenses. Progressive addition lenses. बट उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, सो दैट आपको बहुत सारी वीडियोस एक्स्ट्रा देखने को मिले. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स एंड आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे, शेयर करते रहिए ऐसे ही और चैनल पे अपडेट्स लेते रहिए बाकी टॉपिक्स की. प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज होते क्या है? प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज होते हैं कि इफ यू आर हैविंग अ प्रोग्रेशन, क्योंकि आपको जो भी नाम से सजेस्ट हो रहा है वो यही हो रहा है कि कोई चीज प्रोग्रेस हो रही है, राइट? तो प्रोग्रेस क्या हो रही है? एडिशन लेंसेज, जो आपके प्लस लेंसेज होते हैं वो, यानी कि ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, द नियर पार्ट. सो स्टे ट्यून्ड विद कोमल शर्मा हु विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑप्टोमेट्री क्लासेस. सो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ रिफ्रेशर कोर्स एज वेल, हमने हमारा भी एक रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट किया है. इस कोर्स में आप लोग जो बेसिक से बेसिक थिंग्स है उससे लेकर के स्ट्रेटेजिकल थिंग्स तक पहुंच सकते हो टू हैव सम फ्यू मंथ्स क्लासेस. 4 मंथ्स की क्लासेस है जिसमें 15 डेज की इंटर्नशिप फ्री है. सो यू ऑल हैव टू ज्वाइन. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, जस्ट ज्वाइन फास्ट बिकॉज बैचेस स्टार्ट होने वाले 1 December से. सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. वी हैव ऑलरेडी make a video about that. Hope you all understand. If you have not understand, तो आप मुझे बता दीजिए एक बार comment box में comment करके कि आपको नहीं समझ में आया उस course में क्या है, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में properly बता दूंगी. But उससे पहले आप उस video को देख लीजिएगा, उसका भी link description column में है, so just go and have and watch it. Okay? So come to our point, focusing on our point, that is progressive addition lenses. ये होता क्या है basically? देखिए, the thing is कि इस वीडियो में पहली चीज तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जो कि मैं आज ही आपको बताऊंगी. डिजाइन पढ़ेंगे, जोन्स ऑफ पाल्स पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस पढ़ेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे. सो दीज थिंग्स विल बी डन. नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइफोकल, पहली चीज तो जो मेन स्पेक्स होते हैं वो होते हैं सिंगल विजन वाले. सिंगल विजन वाले होते हैं डिस्टेंस एंड नियर, है ना? या तो डिस्टेंस रहेगा या नियर रहेगा, ऐसा नहीं कि राइट और लेफ्ट था, वो मेरा प्रॉब्लम हुआ अभी. बट द थिंग इज कि सिंगल विजन इज कि डिस्टेंस, डिस्टेंस के दोनों लेंस और नियर के दोनों लेंस. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स फॉर सिंगल विजन ओनली, सिंगल विजन लेंसेज. बट इफ वी विल टॉक अबाउट द बाइफोकल लेंसेज, बाइफोकल मीन्स जिसमें सिंगल डिस्टेंस भी रहे और नियर भी रहे, ठीक है, लेंस के अंदर ही दो सेगमेंट्स रहे. ट्राईफोकल का मतलब ये होता है कि 3 सेगमेंट्स रहे, क्योंकि बाइफोकल के बाद हमारा ये ड्रॉबैक रहा बाइफोकल में. पहली चीज तो हमारी इमेज जंप हो रही थी, दूसरी चीज हमारा जो भी इंटरमीडिएट डिस्टेंस का काम था वो हम नहीं कर पा रहे थे. यानी कि अगर हमको डिस्टेंस में देखना है कुछ तो हम देख पा रहे हैं, रीडिंग बुक्स करनी है या फिर बुक्स रीड करनी है या प्रॉपरली कोई चीज नियर में देखनी है, न्यूज़पेपर रीड करना है, तो वो भी हम कर पा रहे हैं. बट वट वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट डू एट अ सर्टेन टाइम. हम लैपटॉप पे नहीं बैठ पा रहे या मोबाइल्स नहीं चला पा रहे प्रॉपरली या फिर कोई सिस्टम पे काम नहीं कर पा रहे, तो वो आपका इंटरमीडिएट डिस्टेंस में काउंट होता है. अब ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस में अगर काउंट हो रहा है तो वॉट यू रिक्वायर, यू रिक्वायर कि आपको उसके अंदर अब ऐसा क्या चेंज करना है. तो चेंजेस में जो आया वो आया ट्राइफोकल लेंस, यानी कि 3 सेगमेंट्स बना दिए गए, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और इस तरीके का होता है. देखो, लेट मी एक्सप्लेन. ये है सिंगल विजन, सपोज इसमें एक ही पूरे में एक ही पावर रहती है, दिस इज सिंगल, सिंगल विजन, डिस्टेंस हो सकता है या नियर हो सकता है. बाइफोकल, मेरे सर्कल सही नहीं बन रहे हैं ये, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, डिस्टेंस और नियर, ठीक है, तो ये दो चीजें. इसके अलावा
ये हो गया बाइफोकल। इसके अलावा आपका आया ट्राइफोकल, फिर मतलब मैं इवोल्यूशन बता रही हूँ लेंसेस का। फिर आपका आया नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज अ थिंग, बट इसमें भी तो सेगमेंटेशन है। इसमें सिर्फ हमारा क्या चीज क्योर हुआ कि अब हम इंटरमीडिएट देख पा रहे हैं, बट हमारा इमेज जंप तो है बिकॉज मैग्निफिकेशन अलग अलग लेवल पे जा रहा है और वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। सेगमेंट्स का मतलब सडन सडन चेंज आ जाएगा आपका पावर में। अगर आप इंटरमीडिएट में देख रहे हो तो सडन चेंज आएगा, नियर में देख रहे हो तो सडन चेंज आएगा। तो उसकी वजह से ना इमेज जंपिंग होती है, मतलब प्रॉपरली आपको नहीं दिखा। सपोज करो मैं भी ये -0.50 का चश्मा है, अगर मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मैंने -0.50 यूज किया, मेरा नेक्स्ट जो अगर मैंने कभी गलती से मेरा सपोज करो मैंने नीचे की तरफ +2 लगा लिया, तो मेरे को एकदम से जब नियर में देखूंगी मेरा सडन इमेज जंप होगा। तो दैट मीन्स कि आई रिक्वायर दी प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज क्यों रिक्वायर हो रहे हैं? बिकॉज आई हैव द इमेज जंपिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन माई आई बाई यूजिंग दीज बाइफोकल्स और ट्राइफोकल्स। सो अब मैं क्या करूंगी, वट आई डू इन प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज, वॉट हैपन, मैं वो भी एक बार आपको बता देती हूँ कि प्रोग्रेसिव में होता क्या है। प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज में ना बेसिकली एक चीज होती है, जैसे कि अगर हम दूसरे वाले ले तो उसमें मैग्निफिकेशन सडन चेंज हो रहा था, बट इसमें जो होगा इसमें ये सेगमेंट्स में आपके ऐसे ही बना रही हूँ, बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एक सेकेंड रुको, मैं डायरेक्टली प्रोग्रेसिव बना दू। इसमें ना यहाँ यहाँ साइड में अनवांटेड विजन रहता है और यहाँ पे बीच में सारी चीजें पावर्स की पावर्स आती हैं। ठीक है, तो लाइक दिस इट हैपेंस, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। ये जो डी है थोड़ा पी की तरह लग रहा है बट इट्स ओके, आप समझ गए होंगे। तो डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर, ये तीन में डिवाइड हो जाता है बट विद अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अब कैसा होगा, सपोज डी क्या था हमारा -2, इंटरमीडिएट क्या हुआ हमारा -1 और नियर क्या हुआ हमारा सपोज +2 है। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से, एक जो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका एक लेंस बनेगा जो कुछ इस तरीके का होगा और वो आप इसमें प्लेस करोगे, यानी कि यहाँ पे -2 है, फिर -1.5 है, फिर -1 है, फिर -0 है, सॉरी 0 है, 0.75, 0.25, फिर 0 है। मतलब बेसिकली आपको ना प्रॉपर प्रोग्रेशन मिलेगा। फिर आपका +1 है, मतलब +0.25, +0.75, +1, सॉरी 5 भी है, 0.5, 0.75, 1, देन +2, लाइक दिस इट इज प्रोग्रेस्ड। ठीक है, तो इस टाइप का आपका प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज होता है। तो इस वजह से आपको कोई इमेज जंप नहीं होता, आप प्रॉपरली इजिली देख सकते हो, बट हाँ जो आपका साइड का होता है वहां पे थोड़ा सा अनवांटेड एस्टिगमेटिज्म होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप पावर्स इस तरीके की लगा रहे हो, मतलब प्रोग्रेशन में रख रहे हो, वो पावर्स की वजह से हमको प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो प्रिज्मेटिक इफेक्ट्स आपके साइड में होते हैं और वो आपको एस्टिगमेटिज्म कॉज करते हैं। तो वो चीज आपका कम होना, मतलब बेसिकली होना चाहिए, बट इसका भी अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हर चीज प्रॉपरली मिल जाएगी। बट व्हाट वी रिक्वायर प्रॉपर काउंसलिंग फॉर प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। उसमें हम काउंसलिंग में क्या बोलेंगे पेशेंट को, कि आपको प्रॉपर हेड पोस्चर मूव करना है वाइल सीइंग हेयर एंड देयर, ये इस टाइप की चीजें रहती है। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज अबाउट डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, जोन्स एंड सम ऑफ द फिटिंग सेगमेंट्स, कि हमें किसमें आपको रिफ्रैक्शन करना चाहिए प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में और किसमें नहीं करना चाहिए। और मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी आपको। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज होते क्या है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस टाइम विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अबाउट प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। थैंक यू।